10 साल बाद आया, मगर तुम्हारे जोश ने मुझे और जवान बना दिया। वादा है, वादा है, महाराष्ट्र की सियासत में इम्तियाज जलील और दूसरों के साथ अकबरुद्दीन ओवैसी भी अब खांधे से खांधा मिलाकर खड़ा रहेगा। औरंगाबाद हो, नांदेड़ हो, उस्मानाबाद हो या शोलापुर हो या मुंबई हो, अब अकबरुद्दीन ओवैसी आता रहेगा, जाता रहेगा। क्या गारंटी है? पूरी गारंटियों का दौर चल रहा है। हमारे पास भी 6 गारंटी आई, कर्नाटक में भी गारंटी आई, हरियाणा में भी गारंटी आई। मिस्टर मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी, वाह वाह, ठीक है भाई, वहां भी गारंटी, यहां भी गारंटी, इनकी भी गारंटी, उनकी भी गारंटी, चाय वाले की भी गारंटी, गारंटी तो है, है। लेकिन ये गारंटी है ना, मैं ये यहां मौजूद ये लोगों का सवाल है, क्या शरद पवार गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप मोदी के साथ नहीं जाएंगे? देंगे क्या? अजीत पवार साहब, आप गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप शरद पवार के पास दोबारा वापस नहीं जाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे, आप गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप फिर चाय वाले के पास चाय की प्याली लेके नहीं जाएंगे? क्या शिंदे गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद वो ठाकरे के पास दोबारा नहीं जाएंगे? नेहरू और गांधी क्या इस बात की गारंटी देंगे कि वो कभी भी बीजेपी और मोदी के साथ नहीं जाएंगे, हिंदुत्वा के साथ नहीं जाएंगे? अरे आज कांग्रेस का शिवसेना के साथ इत्तेहाद करना ये है, इस बात को बोलना है, इस बात को तस्लीम करना है कि हम हिंदू हैं, हिंदुत्वा पॉलिटिक्स हम में है और हम हिंदुत्वा पॉलिटिक्स को कबूल करते हैं। डायरेक्टली तो कबूल नहीं किए, इनडायरेक्टली कबूल कर लिए। कोई ऐसा खाता है तो कांग्रेस ऐसा खा रही है, यही है, यही है, समझो मेरी इस बात को। सियासी इस शोर और गुल में तुम्हारी आवाज गुम गई है, हर किसी की आवाज है, राव की आवाज है, रेड्डी की आवाज है, पाटिल की आवाज है, पटेल की आवाज है, गांधी की आवाज है, पवार की आवाज है, हर किसी की आवाज है। अगर आवाज नहीं है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह कलमा पढ़ने वाले की आवाज नहीं है।